क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप लोग इसको बना सकते। सबसे पहले क्या है, आपको देखना होगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। अगर देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में होगा तो सबसे पहले क्रिया किसको कीजिएगा, ब्रैकेट में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए किसको करना होगा, पहले ये ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट में पहले क्या है कि बटा के जोड़ करना होगा। तो बटा के जोड़ करने के लिए इसे पहले इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद इसको, स्क्वायर में जो है ना, स्क्वायर में वैसा ही रहने दीजिएगा, ठीक है। तो पहले देख लीजिए कैसे बनाना है। एज इक्वल टू देना होगा, पहले से एज इक्वल टू दे दीजिएगा और यहाँ पे ऐसे ही ब्रैकेट रन दे दीजिए। सिर्फ गुना कीजिए फाइव में, पांच तीन पंद्रह और तिरछा गुना कीजिए आप ऐसे, तीन दुना प्लस पांच एकम, इसका क्या रह जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए प्लस, फिर देखिए क्या करना है, पांच तीन पंद्रह दस पचे पचास प्लस तीन एकम तीन, अब एडिशन कीजिए इसका, छ पांच ग्यारह और फिर पंद्रह का पंद्रह, इसका क्या कर देना है स्क्वायर। फिर प्लस ऐड कीजिए पचास तीन तिरपन, तिरपन बट्टा पंद्रह, इसका क्या है स्क्वायर। फिर इसको क्या कीजिए, ग्यारह का स्क्वायर एक सौ इक्कीस, पंद्रह का दो सौ पच्चीस प्लस तिरपन का स्क्वायर निकाल लीजिए, हो गया। अब यहाँ पे बोलिए फिर पंद्रह का दो सौ पच्चीस पच्चीस। अब देखिए बट्टा के जोड़ आ गया कि नहीं आ गया, यस आ गया। तो इससे क्या करना है, ये दोनों को ऐड, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो एक किसी को हाँ आइए, अब इसको ऐड कर लीजिए। अगर नीचे दोनों सेम हो तो एक किसी को लिखते हैं, ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दीजिए क्या, तो 2930 आ गया बट्टा में, हाँ इतना ही आंसर हो गया। अब इसको बनाइए, ये सब क्वेश्चन को उतारिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए और तब इसके बाद यहाँ पे जितने भी ये वर्क दिया गया है ये बनाइए आप लोग, ये दोनों क्वेश्चन को एक नंबर सोल्यूशन कर दिए और आपको अब क्वेश्चन सोल्यूशन इसको करना है, दो नंबर और तीन नंबर, सबसे आसान तरीके से आप लोग इसे बना लीजिए। हाँ सबसे पहले इक्वल टू देते चलिएगा ऐसे, बस ऐसा। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर अगला वीडियो बना रहा हूँ तो उसको अपलोड करेंगे। पहले एक वीडियो कैसे लगा ये जानकारी आप लोग दीजिए। थैंक यू वेरी मच।